वर्ल्ड कप 2023 को दूसरे सेमीफाइनल मुकाबलों ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बहुत ही खतरनाक तरीका हुए है। लेकिन इस मैच में साउथ अफ्रीका टीम की फील्डिंग देख के आईसीसी ने साउथ अफ्रीका पर शक हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में यो मैच सेमीफाइनल को मैच हो और यो मैच इतना जरूरी मैच हो, लेकिन इसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका टीम इस मैच में जाएंगे फील्डिंग करी बैंक की फील्डिंग की उम्मीद कोई न हुई भी साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका टीम इस मैच में लप्पू सा कैच छोड़ रही। तो अब मैं वीडियो की शुरुआत करूं और साउथ अफ्रीका टीम के बारे में कुछ और बातें बताऊं। इससे पहले थे वीडियो लाइक कर लो और चैनल सब्सक्राइब करके रख लो जिससे थाने आगे अपडेट वीडियो को समाचार सुन पहले चोट मिल जावे। अब बात करें मैच के बारे में तो वर्ल्ड कप 2023 को दूसरा सेमीफाइनल मुकाबलो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काल खेले गयो। इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करी, लेकिन जब ही साउथ अफ्रीका टीम बैटिंग करना आई साउथ अफ्रीका टीम बहुत दबाव में खेल रही। साउथ अफ्रीका टीम को वर्ल्ड कप में एक ही रहो और वो क्विंटन डिकॉक, और क्विंटन डिकॉक भी इस मैच में बहुत ही दबाव में खेलो। यो वर्ल्ड कप क्विंटन डिकॉक को लास्ट वर्ल्ड कप हो और शायद यो मैच भी क्विंटन डिकॉक को लास्ट मैच हो, लेकिन बी के बावजूद भी क्विंटन डिकॉक रोहित शर्मा की तरह बेफिक्र हुई कुछ खेले क्यों और टीम ने बढ़िया शुरुआत कुंदेश क्यों। और साउथ अफ्रीका कप्तान बुमा के बारे में तो कुछ बोलना ही गलत है, इन्हें तो बेरो भी ना साउथ अफ्रीका कप्तान बना क्यों रखे है। साउथ अफ्रीका टीम पहले बैटिंग कर रही और साउथ अफ्रीका टीम का 4 विकेट बहुत ही जल्दी पड़ गया, लेकिन बाद में बारिश इस मैच में दखल दे दियो। लेकिन बारिश के बाद में जब मैच शुरू हो तो साउथ अफ्रीका को धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर इस मैच में जान फूंक दी और डेविड मिलर इस मैच में आपको वर्ल्ड कप को पहले शतक मारियो और डेविड मिलर ही एक बल्लेबाज जो की शतक मारियो और डेविड मिलर के पान या टीम 213 रन को स्कोर कर लियो। सेमीफाइनल के मुकाबले में 213 रन को स्कोर बहुत ही कम हो, लेकिन बिक के बावजूद भी गेंदबाज ने कुछ लड़ाई करने के लिए टारगेट तो मिल गो। लेकिन ये तो कम स्कोर होने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका टीम यो मैच आराम से जीत सकी, लेकिन बुमा की खराब कप्तानी के कारण साउथ अफ्रीका टीम यो सेमीफाइनल मुकाबला हार गई। खराब कप्तानी बुमा की लिए ही, क्योंकि शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही धुआंधार खेल रही और भी टाइम पर बुमा लगातार फास्ट बॉलिंग ने आउट दिया जा रहे हो और कमेंट्री बॉक्स में सबका सब कमेंटर भी बोल रहा कि बुमा ने इस टाइम पर स्पिनर टिकड़ी ने लेनी चाहिए, लेकिन बुमा लगातार फास्ट बॉलिंग ने बॉलिंग दिया जा रहे हो और जिससे ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत जल्दी 100 रन के स्कोर तक पहुंच गई, यानी कि 200 में से 100 रन ऑस्ट्रेलिया टीम पहले 10-15 ओवर में बढ़ा लिया। अगर बुमा स्पिनर ने कुछ जल्दी आउट दे तो इस मैच को रिजल्ट कुछ और ही हो, यानी कि शुरुआत में 10-15 ओवर में 100 रन कौन लगता और टीम ने लड़ाई करने के लिए बहुत सारे रन बचता, लेकिन बुमा जी टाइम पर गेंद स्पिनर के हाथ में थमाई ही भी टाइम पर यू आधो मैच निकल चुके हो, लेकिन बिक के बावजूद भी स्पिनर इस मैच ने बढ़ा के रखियो और लास्ट तक संघर्ष करता रहा। लेकिन साउथ अफ्रीका टीम की इस मैच में फील्डिंग बहुत ही खराब रही। साउथ अफ्रीका टीम इस मैच में लगभग 3-4 कैच छोड़ दिया और इन 3-4 कैच में 2 या 3 कैच तो शायद डिकॉक भी छोड़ दिया। डिकॉक पीछे कीपर में बहुत ही मौका छोड़ दिया और शायद इस बात को पछताप डिकॉक ने भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर साउथ अफ्रीका टीम 3 या 4 कैच पकड़ लेती तो आराम से ऑस्ट्रेलिया टीम ने डाल लेती, लेकिन अब एक बार फिर से बिना फाइनल खेले साउथ अफ्रीका टीम वापस चल गई और साउथ अफ्रीका टीम अब तक वर्ल्ड कप के इतिहास में एक भी फाइनल मैच कौन खेलो और वर्ल्ड कप 2023 में भी साउथ अफ्रीका का सफर अड़ी खत्म हो गो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को आखिर में थाने सबने बेरो कि मैं एक थाने एक सवाल देके जाऊं। तो आज के वीडियो को जो सवाल है वो यू है कि साउथ अफ्रीका की टीम से डेविड मिलर शतक मारे हैं तो डेविड मिलर आईपीएल में कौन टीम से खेला गया है, भी टीम का नाम से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। देखा कितना ने बेरो कि डेविड मिलर कौन टीम से खेला गया है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर थाने वीडियो चुख लगी हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करके जाओ।